खबर चंपावत से। वन बीट अधिकारी संघ की नैनीताल में हुई बैठक। वन बीट अधिकारी संघ द्वारा मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं उत्तराखंड नैनीताल में बैठक की गई। कुमाऊं मंडल में चीड़ देवदार के घने जंगल होने के कारण आग का खतरा बना रहता है, इसलिए बैठक में वन आरक्षियों की लंबित विभिन्न समस्याओं के संबंधित विषय में चर्चा की गई। श्री पी के पात्रों मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं द्वारा आश्वासन दिया कि फील्ड के अंतर्गत आने वाली सभी समस्याओं का समाधान जल्दी किया जाएगा। साथ ही फायर सीजन में आने वाली परेशानियों का निराकरण हेतु चर्चा की गई। फायर सीजन के चलते किसी भी प्रकार की कोई अग्नि घटना ना हो। भेंट वार्ता में श्री हर्षवर्धन गाड़िया, प्रदेश अध्यक्ष श्री अतुल कुमार भगत, वरिष्ठ संयुक्त मंत्री प्रदेश श्री नंदा प्रसाद अध्यक्ष नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल और सदस्य उपस्थित रहे। मुख्य वन संरक्षक महोदय कुमाऊं के साथ हमारी भेंट वार्ता हुई। भेंट वार्ता काफी सकारात्मक रही। आज वन बीट अधिकारी के बीच में जो विभिन्न समस्याएं आ रही चल रही हैं, उन समस्याओं को लेकर हमारी मुख्य वन संरक्षक महोदय के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में विभिन्न समस्याओं को रखा गया और महोदय के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही जो वन आरक्षकों के बीच में समस्या आ रही है, ग्राउंड में, फील्ड में, गश्त के दौरान जो जो भी विभिन्न समस्याएं आ रही हैं, उन सबका जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। साथ ही फायर सीजन स्टार्ट होने वाला है, जल्द ही फायर सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो फायर सीजन के चलते जो भी दिक्कत परेशानियां आती हैं, उन सब दिक्कत परेशानियों को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाएगा, ताकि वन अग्निकाल के दौरान किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घटे। खबर भारतवर्ष के लिए चंपावत उत्तराखंड से पार्वती देवी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।